सो नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं स्वप्निल आदमने एनजे इंडिया एनवेज की ओर से आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। एंड टुडेज जो टॉपिक है बिल्ड वेल्थ थ्रू इक्विटी एंड एसआईपी, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिकॉज एक इक्विटी ऐसा जरिया है जहाँ से हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है इक्विटी में कि इट्स अ पेशेंस दैट गेट टेस्टेड बट इट्स अ कन्विक्शन दैट गेट्स रिवॉर्डेड। सो इक्विटी में कन्विक्शन आना बहुत जरूरी है। जब आप इक्विटी में निवेश करते हो तो जैसा आप जानते हैं इक्विटी शॉर्ट टर्म में वोलेटाइल हो सकता है, लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिवॉर्डिंग एसेट क्लास होता है। तो जब आप इक्विटी में निवेश करते हो तो क्या हमें डू एंड डोंट्स करने हैं? जब इक्विटी में निवेश करना है तो हमें सेविंग का किस तरीके से पार्ट इक्विटी में निवेश करना है, ये सब जो टॉपिक्स है वो आज के सेशन में आपके साथ कवर करने वाले हैं। तो इसके लिए आज मेरे सीनियर मिस्टर सरफराज पटेल, जो एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट है एंड जोनल मैनेजर है एनजे में, 20 साल का उनका एक्सपीरियंस है, वो अपने एक्सपीरियंस आज आपके साथ साझा करने वाले हैं ऑन हाउ टू बिल्ड वेल्थ थ्रू इक्विटी एंड एसआईपी। सो वो साउथ गुजरात, रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र और एमपी ये रीजन देखते हैं। बहुत सारे उन्होंने ऐसे सेशंस, इन्वेस्टर अवेयरनेस सेशन उन्होंने कंडक्ट किए हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा सरफराज साहब से कि वो आज आए और हमें इक्विटी के ऊपर एनलाइटन करें। सो ओवर टू यू सरफराज सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच स्वप्निल फॉर काइंड इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच ऑल द इन्वेस्टर्स। गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। थैंक यू सो मच आज की वेबिनार में जुड़ने के लिए। मैं जानता हूँ सैटरडे है, सैटरडे की शाम है, पूरा हफ्ता आप लोगों ने काम किया होगा। यू नो, पूरे हफ्ता काम करने के बाद उम्मीद ऐसी रहती है कि यू नो सैटरडे को शाम को थोड़ा रिलैक्स करें, किसी रेस्टोरेंट में फैमिली के साथ खाना खाने जाए या पिक्चर देखने जाए। बट वो सब के बावजूद आप ये वेबिनार अटेंड कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू, दिल से थैंक यू सो मच। मैं कोशिश करूँगा जो मुझे बातें करनी है वो मैं 50-1 मिनट में कर सकूं। मैं साथों साथ थैंक यू कहना चाहूँगा सारे एनजे पार्टनर्स का, जिन्होंने सारे इन्वेस्टर्स को आज के वेबिनार में इनवाइट किया। थैंक यू ऑल दी एनजे पार्टनर्स। आज हम लोग बातें करेंगे, जैसे स्वप्निल ने बताया, आज हम लोग बात करेंगे ऑन बिल्डिंग वेल्थ थ्रू इक्विटी, म्यूचुअल फंड एंड एसआईपी। संपत्ति कैसे सर्जन की जा सकती है इक्विटी के सहारे, मतलब शेयर्स के सहारे, शेयर मार्केट के सहारे, विद द हेल्प ऑफ म्यूचुअल फंड एंड एसआईपी। इतनी बातें हम लोग करेंगे आज। जैसे मैंने बताया, मुझे 50-1 मिनट लगेंगे। एंड में अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो भी हम लोग कवर करेंगे। नीचे आपको कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चंस डाल सकते हो जो आपको ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन माइंड में आते हैं, या अभी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आप लिख सकते हो, मैं कोशिश करूंगा उसे प्रेजेंटेशन के एंड में आंसर करने की। तो शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। वैसे शॉर्ट इंट्रोडक्शन स्वप्निल ने मेरा दे तो दिया ही है, लेकिन फिर भी एक बार, मेरा नाम सरफराज है, मैं एनजे का एनजे वेल्थ को रिप्रेजेंट करता हूँ एज अ जोनल मैनेजर। आई एम इनटू यू नो इक्विटी या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री सिंस 20 इयर्स। उम्मीद करता हूँ ये मेरा एक्सपीरियंस आपको आज कुछ सिखाने में काम आए और आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने में मदद रूप हो, राइट? तो शुरू करते हैं इतना इंट्रोडक्शन के साथ। हाउ टू बिल्ड वेल्थ, राइट? अब हाउ टू बिल्ड वेल्थ के ऊपर मैं बाद में आता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि पहले ये डिस्कस करना ज़रूरी है कि वाई वेल्थ इज़ इम्पोर्टेंट। वेल्थ इम्पोर्टेंट क्यों है, वेल्थ बनाई कैसे जाती है वो तो आगे मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन वेल्थ इम्पोर्टेंट क्यों है? वो कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ अचीव करनी है तो वाई बहुत इम्पोर्टेंट है, क्यों बहुत इम्पोर्टेंट है, कैसे वो बाद में आता है,
और अगर आपका वाई इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो वो काम में कैसे करूँ, उसका रास्ता काफ़ी बार खुद ब खुद निकल जाता है। तो वेल्थ इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये कुछ रीज़न जो मुझे लगे कि क्यों जीवन में वेल्थ ज़रूरी है, वो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किया है। मैं एक एक शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि क्यों संपत्ति सर्जन इम्पॉर्टेंट है, क्यों संपत्ति ज़रूरी है, क्यों वेल्थ ज़रूरी है, राइट। पहला रीज़न है टू अचीव फाइनेंशियल नीड्स। अपने जीवन में अलग अलग पड़ाव पे अलग अलग गोल अचीव करने के लिए, नीड्स अचीव करने के लिए, नीड्स फुलफिल करने के लिए हमको पैसों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि बच्चों का एजुकेशन, बच्चे को इंजीनियर बनाना है, बच्चे को डॉक्टर बनाना है, बच्चे को क्रिकेटर बनाना है, बच्चे को बैडमिंटन प्लेयर बनाना है, पैसा लगता है, राइट। बच्चे की शादी करनी है, परिवार बड़ा हो रहा है, घर बड़ा करना है, गाड़ी बड़ी करनी है, अलग अलग जीवन के पड़ाव में फाइनेंशियल गोल्स आते हैं, वो गोल्स को पूरा करने के लिए पैसा लगता है। और ये सबसे बड़ा रीज़न है क्यों वेल्थ बिल्ड करना ज़रूरी है। दूसरा है टू प्रिपेयर फॉर इमरजेंसीज। इमरजेंसीज मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी जीवन में आ सकती है। जैसे कि बिजनेस में मंदी आ गई, जॉब लॉस हो गया, कोई फैमिली में डिजीज़ हो गई, अनफॉर्चुनेटली खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हो गई, घर में कोई डिस्ट्रक्शन हो गया, वॉट एवर इमरजेंसी, इमेजिन करना भी काफ़ी बार मुश्किल होता है। बट टू वेल्थ हेल्प्स अस टू प्रिपेयर फॉर दोज इमरजेंसी। ऐसी इमरजेंसीज के वक्त वेल्थ काम आता है, इसीलिए वेल्थ बिल्ड करना ज़रूरी है। तीसरा है टू प्रिपेयर फॉर लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट। अभी तो क्या है, आप लोग 30 साल के हो, 35 हो, 40 हो, शायद 50 हो, तो अभी आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, उसमें से इनकम हो रही है और उसमें से आपके आपका घर भी चल रहा है और आपकी आपके खर्चे भी पूरे हो रहे हैं। बट आफ्टर अ सर्टन एज, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, आपकी इच्छा होगी कि यार थोड़ा रिलैक्स करें, लाइफ को एंजॉय करें, राइट। तब आपकी इनकम हो जाएगी ज़ीरो, लेकिन खर्चे तो रहेंगे ही, शायद आज जितने होंगे उससे ज़्यादा होंगे बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो जो रिटायरमेंट की बाद की लाइफ है उसको अच्छे से जीने के लिए वेल्थ लगेगी, एंड दैट इज़ वाई बिल्डिंग वेल्थ इज इम्पॉर्टेंट। चौथा रीज़न बहुत ऑब्वियस है, काफ़ी लोग चाहते हैं कि मैं मेरे बच्चों के लिए वेल्थ छोड़ के जाऊँ, मेरे पोतों के लिए वेल्थ छोड़ के जाऊँ, ताकि उनकी लाइफ आसानी से कटे। और वो चौथा और बहुत लॉजिकल रीज़न है टू बिल्ड वेल्थ। पांचवा रीज़न टू बिल्ड वेल्थ या वेल्थ क्यों ज़रूरी है इज़ वेल्थ गिव्स यू ऑप्शंस। वेल्थ आपको फ्रीडम देता है चूज़ करने का। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ उससे आपको आइडिया आ जाएगा। से फॉर एग्जांपल, आपको बच्चे का एजुकेशन करना है, बच्चे को मान लो MBA करना है, राइट। अगर बच्चे को MBA करना है तो वेल्थ गिव्स यू ऑप्शन कि भाई उसको आपके शहर में किसी कॉलेज में MBA कराना है, या इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट में MBA कराना है, के यूरोप में MBA कराना है, के US में MBA कराना है। अगर वेल्थ है तो ये ऑप्शंस आपके पास ओपन रहेंगे कि उसको कहाँ से MBA कराना है। और एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो आपको फैमिली के साथ वेकेशन में घूमने जाना है, अगेन वेल्थ गिव्स यू ऑप्शन। आपके आप जा रहते हो उसके 100 किलोमीटर में घूमने जाना है, 500 किलोमीटर में घूमने जाना है, 5000 किलोमीटर दूर तक घूमने जाना है, वेल्थ गिव्स यू ऑप्शन। कितने दिन घूमने जाना है, कैसी होटल में रहना है, वेल्थ गिव्स यू फ्रीडम टू चूज। और पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है क्यों वेल्थ बिल्ड करना ज़रूरी है। और आखिरी, अगेन मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, वेल्थ गिव्स यू पीस ऑफ माइंड। वेल्थ आपको एक सुकून देता है, राइट, कि भाई कल मेरा जॉब चला गया तो क्या, कोई नहीं, चला गया तो चला गया, आई हैव वेल्थ, आई हैव बिल्ट वेल्थ। कल मेरा बिजनेस ठप हो गया तो क्या, कोई डिस्ट्रक्शन हो गया बिजनेस में तो क्या, नो प्रॉब्लम, आई हैव वेल्थ। सो वेल्थ गिव्स यू पीस ऑफ माइंड, राइट। ये कुछ रीज़न मैंने मुझे लगे क्यों वेल्थ बिल्ड करना ज़रूरी है। कैसे वेल्थ बिल्ड किया जाए उसके ऊपर तो मैं आगे आता ही हूँ, आई एम श्योर वो सुनने के लिए ही आप
आज जुड़े हैं, मुझे लगा क्यों बहुत ज़रूरी है, राइट। जीवन में फाइनेंशियल नीड्स आती है, उनको पूरा करने के लिए वेल्थ लगेंगी, इमरजेंसीज कभी भी आ सकती है उसको पूरा करने के लिए वेल्थ लगेगा, रिटायर होने के बाद जो लाइफ जीनी है या एंजॉय करनी है उसके लिए वेल्थ लगेगा, बच्चों की लाइफ आसान करनी है उसके लिए वेल्थ लगेगा। वेल्थ आपको फ्रीडम देता है चूज करने का, ऑप्शंस देता है आपको वेल्थ, एंड वेल्थ अल्टीमेटली गिव्स यू पीस ऑफ माइंड, राइट। तो वाई जानने के बाद अब हाउ के ऊपर आते हैं, और हाउ में शुरू करूंगा फाइनेंस की किताबों में जो सिखाया जाता है उस फॉर्मूला से, राइट। तो फाइनेंस की किताबों में ये सिखाया जाता है वेल्थ बिल्ड करने का फॉर्मूला, एफ वी इज इक्वल टू पी वी इंटू वन प्लस आर रेस टू एन। आई एम श्योर आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये फॉर्मूला सिखाने वाला है क्या, नहीं मैं ज़रा भी फॉर्मूला नहीं सिखाने वाला हूँ, बट ये फॉर्मूला के ज़रिए मैं आपको वेल्थ बिल्ड करने के कुछ बेसिक और फंडामेंटल नियम सिखाने वाला हूँ, राइट। तो ये फॉर्मूला क्या बोलता है, ये फॉर्मूला बोलता है फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू मतलब फ्यूचर की वैल्यू, मतलब वेल्थ, आपकी फ्यूचर की संपत्ति, आपकी फ्यूचर की संपत्ति इज इक्वल टू, मतलब कैसे डिसाइड होती है, पीवी, पीवी मतलब आज की आपका वैल्यू कितना है, मतलब आप आज का आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, पहला फैक्टर। दूसरा आर, आर मतलब वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको रिटर्न कितना मिलता है, और एन, एन मतलब आप कितने समय के लिए वो इन्वेस्टमेंट को रखते हो। सो तीन ही फैक्टर है, ये फॉर्मूला लगती कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत आसानी से हमको कम्युनिकेट करती है कि वेल्थ बिल्ड करने के लिए क्या ज़रूरी है। वेल्थ बिल्ड करने के लिए आप कितना पैसा इन्वेस्ट करते हो वो मैटर करता है, उसको कितने साल के लिए इन्वेस्ट करते हो वो मैटर करता है, और तीसरा उसके ऊपर आपको रिटर्न कितना आता है। ये तीन के अलावा और कोई चौथी चीज़ ज़रूरी नहीं है सर एंड मैडम वेल्थ क्रिएट करने के लिए। हाउ मच यू सेव या हाउ मच यू इन्वेस्ट, द मोर यू सेव मेक्स अ डिफरेंस। हाउ मच For how much time you invest, the sooner you start makes a difference, and how much return you earn, obviously the more you earn makes a difference. अब होता क्या है सर इन्वेस्टमेंट की जर्नी में, ये तीन में से नॉर्मल इन्वेस्टर, मैं भी ऐसे ही था, आई एम श्योर आप भी ऐसे थे या अभी भी ऐसे हो, ये तीन में से हम लोग मेजर फोकस या इनफैक्ट पूरा ध्यान अपना होता है आर के ऊपर। आर इम्पॉर्टेंट है बट सिर्फ आर इम्पॉर्टेंट नहीं है, आर के साथ साथ आप कितने समय के लिए इन्वेस्ट करते हो वो भी इम्पॉर्टेंट है, और आज आप कितना बचाते हो वो भी इम्पॉर्टेंट है, राइट। आप मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं आगे के प्रेजेंटेशन में तो कवर करूँगा ही, बट खैर चलो मैं आगे अब जब प्रेजेंटेशन आएगा तभी जो अभी बोलना चाह रहा था वो मैं आगे समझाता हूँ। तो ये वेल्थ की फॉर्मूला है, दिस इज हाउ यू बिल्ड वेल्थ, राइट। ये तीनों को मैं सो बेसिकली समरी करो, रेसिपी क्या होती है वेल्थ बिल्ड करने की, सेव मोर, इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, एंड इन्वेस्ट एट द राइट प्लेस, सही जगह पे इन्वेस्ट करो, और ये तीनों के ऊपर मैं आने वाले 25-30 मिनट बात करूँगा और आपको बताने की कोशिश करूँगा हाउ टू बिल्ड वेल्थ, राइट। पहला एग्जांपल से शुरू करते हैं, एंड दैट इज सेव मोर। अब सेव मोर किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन होता क्या है, जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर्स है या डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनसे आप बात करो या सलाह लो, तो उनकी सलाह में कभी ये नहीं आएगा, पता नहीं क्यों, बट ये कभी ये नहीं आएगा कि भाई तू ज़्यादा पैसा बचा। वो लोग आपको रिटर्न की बात करेंगे, वो लोग आपको प्रोडक्ट की बात करेंगे, वो लोग आपको बाकी सारी बातें कर लेंगे, लेकिन ऐसा मैंने देखा है कि भाई कोई पैसा ज़्यादा तू बचा उसकी बात नहीं करेगा, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी फ्यूचर वेल्थ के लिए कि भाई आज आप कितना बचा रहे हो। मैं एग्जांपल दे रहा था पास्ट में, वो मैं अभी बात दे देता हूँ कि मान लो आप 100 रुपया कमाते हो, अब 100 रुपया कमाने पे आप 2 ही रुपया बचाते हो, 2 रुपया बचाते हो और उसके ऊपर 25% रिटर्न आ गया, एक बंदा ये है, और दूसरा बंदा ये है कि भाई जो 20 रुपया बचाता है और उसके ऊपर 10% रिटर्न आ गया, फ्यूचर वेल्थ किसकी ज़्यादा होगी,
जो 20 बचा रहा है और जिसको 10% रिटर्न मिल रहा है, राइट। पूरा फोकस, सारे इन्वेस्टर्स का फोकस रहता है रिटर्न के ऊपर, बट मैं वापस रिपीट कर दूं, वेल्थ इज अ फंक्शन ऑफ थ्री थिंग्स। रिटर्न है इम्पॉर्टेंट डेफिनेटली, बट खाली रिटर्न इम्पॉर्टेंट नहीं है, कितने समय के लिए आपको वो रिटर्न मिल रहा है और आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, और कितना इन्वेस्ट कर रहे हो डिपेंड करता है आप कितना सेव कर रहे हो। यहाँ पे एक बेसिक मैथमेटिक्स मैंने बताया है, वो ना बताता तो भी इजी है समझना, कि भाई फ्यूचर की वेल्थ डिसाइड होती है कि भाई आप कितना आज बचा रहे हो। अगर आप 10,000 रुपया महीने का बचाते हो और मान लो 12% रिटर्न मिलता है, 12-13% के आजू बाजू का रिटर्न मिलता है, तो 20 साल में 1 करोड़ रुपया होता है, मोटा मोटी 1 करोड़ होता है। अगर आप 20,000 रुपया बचाते हो तो ऑब्वियसली 2 करोड़ रुपया होगा। मोर यू सेव द मोर वेल्थ यू क्रिएट। बहुत बेसिक है, सिंपल है, लेकिन ऐसा कहा जाता है ना, इन्वेस्टमेंट या वेल्थ क्रिएशन इज या वेल्थ बिल्डिंग इज सिंपल बट नॉट ईजी। सिंपल है लेकिन आसान नहीं है, उसको हम लोग कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वेल्थ क्रिएट करने का, सेव मोर। अब सेव मोर करने के कुछ आइडियाज मैं आपको दूंगा, तो शायद आपको आज आप जितना बचा रहे हो आपके कमाई में से, उससे ज्यादा बचाने में मदद करें, राइट। पहला आइडिया है या पहला तरीका है ज्यादा बचाने का, कि भाई आपकी फ्यूचर की जितनी भी फाइनेंशियल नीड्स आने वाली है ना, उसको आज आइडेंटिफाई कर लो। काफी लोगों को जब वो नीड आ जाती है तब पता चलता है, अरे यार इसके लिए तो मुझे पैसे लगेंगे। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि भाई आपको लाइफ में अलग अलग पड़ाव पे फाइनेंशियल नीड्स आएंगी, जैसे कि बच्चों को एजुकेशन कराना है, बच्चे का मैरिज कराना है, घर बदलना है, या रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा करना है। आइडेंटिफाई योर फाइनेंशियल नीड्स, वो फाइनेंशियल नीड्स को आप आइडेंटिफाई कर लोगे, कागज पे लिख दोगे, और उस फाइनेंशियल नीड्स को अचीव करने के लिए कितना पैसा लगेगा वो अगर आप आइडेंटिफाई कर लोगे, तो ऑटोमेटिकली आपको ज़्यादा बचाने की इच्छा होगी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, से फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया, ये कुछ गोल्स हो सकते हैं आपके आने वाले 10, 15, 20, 25 सालों में। अब काफ़ी बार क्या होता है, ये माइंड में तो होता है लेकिन इसकी तैयारी नहीं करते है। मैं ये बोल रहा हूँ कि इसकी तैयारी शुरू करोगे तो ऑटोमेटिकली आप बचाना, ज़्यादा बचाना शुरू करोगे। इसमें से एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, चाइल्ड एजुकेशन। तो चाइल्ड एजुकेशन में मैं मेरा एग्जांपल लेता हूँ, मान लो मेरे बच्चे को आज मुझे ऐसी पढ़ाई करानी है या ऐसे इंस्टीट्यूट में भेजना है जिसका खर्चा 25 लाख रुपया है, वो टोटल कोर्स का खर्चा 25 लाख रुपया है, लेकिन गोल मेरा आने वाला है, वो नीड मुझे आने वाली है, ये 25 लाख रुपये की नीड मुझे आने वाली है 15 साल के बाद, राइट। बट 15 साल के बाद जब मेरे बच्चे को ग्रेजुएशन करना होगा या पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा, तो 25 लाख रुपए नहीं लगेंगे, 25 लाख रुपए तो आज लग रहे हैं। अगर मैं 7% महंगाई पकड़ूं तो 25 लाख नहीं, 68 लाख रुपीज लगेंगे, या मोटा मोटी 70 लाख रुपए लगेंगे। और वो 70 लाख रुपया जमा करने के लिए आने वाले 15 सालों में, डिपेंडिंग ऑन मुझे कितना रिटर्न मिलता है, 12-18 हज़ार रुपये मुझे महीने के बचाने पड़ेंगे, ये बच्चे के एजुकेशन के लिए। सिमिलरली मुझे कुछ बचाना पड़ेगा उसके मैरिज के लिए। सिमिलरली अगर मुझे घर मेरा चेंज करना है, बड़ा करना है, तो वो घर के लिए कुछ बचाना पड़ेगा। सिमिलरली मुझे रिटायरमेंट होने के बाद की लाइफ को अच्छे से जीना है, एंजॉय करना है, तो उसके लिए कुछ बचाना पड़ेगा। ये अगर आप लिख लोगे, जो आपको आपके फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठोगे, तो वो मदद करेगा आपको आपके फ्यूचर गोल्स को पूरा करने के लिए या फ्यूचर नीड्स को पूरा करने के लिए कितना पैसा लगेगा वो आप आइडेंटिफाई कर लो। जिस एनजे पार्टनर ने ये वेबिनार के लिए बुलाया है उसके साथ बैठो और आपके सारे फाइनेंशियल नीड्स जो फ्यूचर में आने वाली है उनके साथ चर्चा करो। और जैसे ये मैंने चाइल्ड के एजुकेशन के लिए 12-18 हज़ार का फिगर लेके आया हूँ, सिमिलरली बच्चे के मैरिज के लिए एक फिगर लेके आओ, घर खरीदना है या घर बड़ा करना है उसके लिए एक फिगर लेके आओ, और रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा करना है उसके लिए एक फिगर लेके आओ। एक फिगर आ जाएगा तो मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट सेविंग मोर, बिकॉज आपको माइंड में पता चल जाएगा कि अरे यार ये तो इतना पैसा मुझे बचाना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली आप ज़्यादा बचाना शुरू करोगे, राइट। सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे हाउ टू बिल्ड वेल्थ,
और मैंने ये बताया कि बिल्ड वेल्थ करने में तीन ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर लोग रिटर्न के ऊपर फोकस करते हैं, बट सेविंग मोर एंड इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और हम लोग बात कर रहे थे सेविंग मोर पे। सेविंग मोर में हम लोग ने बात किया कि भाई आपके जो भी फ्यूचर की फाइनेंशियल नीड्स है उसको आज कागज पे लेके आ जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको इच्छा होगी टू सेव मोर। दूसरा आइडिया है टू सेव मोर इज ऑटोमेट सेविंग। जैसे काफ़ी चीज़ें हम लोग ने ऑटोमेट करके रखी है, क्रेडिट कार्ड का बिल बैंक में से ऑटोमेटिकली कट जाता है, फ़ोन रिचार्ज ऑटोमेटिकली हो जाता है, टीवी रिचार्ज ऑटोमेटिकली हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑटोमेटिकली रिचार्ज हो जाता है। सिमिलरली यू शुड ऑटोमेट सेविंग्स ऑल्सो। उससे क्या होगा, ऑटोमेट अगर आप करते हो सेविंग्स को, ऑटोमेटिकली बैंक से सेविंग्स कटी जाए। महीने को 2-3 तारीख को अगर मान लो सैलरी आती है तो आप 4-5 तारीख के आजू बाजू वो सेविंग्स का पैसा कट ही जाना चाहिए। उससे होगा क्या, उससे तीसरा आइडिया जो है वो ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो जाएगा। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जो इनकम होती है उसमें से पूरा महीना खर्चा करते हैं और उसमें जो बच जाता है उसको बचाते हैं या उसको इन्वेस्ट करते हैं। बट एक्चुअली अगर वेल्थ बिल्ड करनी है तो इनकम में से पहले एक फिक्स सेविंग 20% या 30% आपकी इनकम में से एक फिक्स सेविंग्स आपको साइड पर रख देनी चाहिए ऑटोमेटिकली, और जो बचता है वो आपका एक्सपेंस होना चाहिए। दिस इज द राइट वे टू सेव एंड दिस इज द राइट वे टू सेव मोर, एंड सेव मोर विल हेल्प यू टू बिल्ड वेल्थ। ये कोई बोलेगा नहीं आपको, किसी को बोलोगे ना कि यार मेरे को पैसा बनाना है तो कोई ये नहीं बोलेगा आपको कि भाई बचा ज़्यादा, वो आपको ये इधर इन्वेस्ट कर, ये ज़मीन ले ले, ये म्यूचुअल फंड ले ले, ये शेयर ले ले बोलेगा। बट नहीं, मैं वापस आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वो है इम्पोर्टेंट, रिटर्न कितना मिलता है इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप क्या बचाते हो वो भी इम्पोर्टेंट है। कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो डिस्कशन का मुद्दा नहीं है, कितना बचाते हो वो भी इम्पोर्टेंट है, राइट? चौथा आइडिया है मिनिमाइज योर रिलायंस ऑन डेट। क्रेडिट कार्ड क्या है, आज इनकम नहीं है बट क्रेडिट कार्ड से हम लोग फ्यूचर इनकम को आज खर्चा कर देते हैं। उससे क्या होता है, आज तो कुछ सेविंग्स हो ही नहीं रही है, फ्यूचर भी कोई सेविंग नहीं होने वाली है। तो जितना हो सके आपका रिलायंस डेट के ऊपर, आपका निर्भर डेट के ऊपर, लोन के ऊपर जितना हो सके कम करिए। और लास्ट बट मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड वॉन्ट्स। जीवन में क्या है, एक होता है नीड कि भाई ज़रूरी है, ये तो चाहिए ही, और एक होता है वॉन्ट। उसके बीच में अंतर समझिए, उसके बीच में अंतर समझोगे तो ऑटोमेटिकली आप ज़्यादा सेव कर पाओगे। नीड मतलब एक घर जेब में फ़ोन होना चाहिए, वो नीड है। बट अभी आईफोन 14 है तो आईफोन 15 लॉन्च हुआ है, वो ले ही लेना है, वो वांट है, राइट? घर में यू नो टीवी होना चाहिए, नीड है। उसको वो 64 इंच होना चाहिए या 82 इंच होना चाहिए, आई डोंट नो क्या क्या इंच के टीवी आते हैं, वो वांट है, राइट? मैं बहुत बेसिक बात कर रहा हूँ, लेकिन ये ऐसी बात कर रहा हूँ जो कोई फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर करता नहीं है सर। सेव मोर, और सेव मोर करने के लिए अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड वांट्स। नीड डेफिनेटली पूरा करो, पर वांट्स के बारे में दो बार सोचो। इतनी चीज़ें आप करोगे, इफ़ यू आइडेंटिफाई योर फाइनेंशियल नीड्स, इफ़ यू ऑटोमेट सेविंग्स, आप इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंस से जीवन जीते हो, आप क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन या बाकी तरीके के लोन पे निर्भर नहीं रहते हो, और आप नीड और वांट का अंतर समझ के उसको फॉलो करते हो, तो यू विल बी एबल टू सेव मोर। एंड सेविंग मोर इज एज इम्पॉर्टेंट एज कितना रिटर्न आया टू क्रिएट वेल्थ, एज इम्पॉर्टेंट। कम इम्पॉर्टेंट या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज रिटर्न वेल्थ क्रिएशन में या वेल्थ बिल्डिंग में, राइट? सो पहला है सेव मोर। चार्ली मुंगर साहब का एक ये कोट है, वो कोट से मैं ये पहला रेसिपी को एंड करूँगा कि भाई चार्ली मुंगर साहब जो अभी थोड़े दिनों पहले दो एक महीने पहले गुजर गए एट द एज ऑफ 99, उन्होंने जीवन में अपने लिए और बहुत सारे दूसरों लोगों के लिए बहुत वेल्थ क्रिएट किया, वेल्थ बिल्ड किया,
वो क्या बोलते हैं वेल्थ बिल्डिंग के बारे में? वो ये बोलते हैं कि भाई यू स्पेंड लेस देन यू अर्न, वो भी यही बात कर रहे हैं, यू स्पेंड लेस देन यू अर्न, इन्वेस्ट श्रूडली, अवॉइड टॉक्सिक पीपल एंड टॉक्सिक एक्टिविटीज, खैर वो अलग बात कर रहे हैं, ट्राई टू कीप लर्निंग ऑल योर लाइफ एंड डू अ लॉट ऑफ डिफर्ड ग्रेटिफिकेशन. डिफर्ड ग्रेटिफिकेशन ग्रेटिफिकेशन को, इच्छाओं को, वॉन्ट्स को, नीड भी नहीं, वॉन्ट्स को आज के बदले कल पे डालो. दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला. इफ यू डू ऑल ऑफ दिस थिंग्स यू आर ऑलमोस्ट सर्टेन टू सक्सीड. और वो किस में सक्सीड होने की बात कर रहा है? लाइफ एज वेल एज इन्वेस्टमेंट में. इन्वेस्टमेंट में सक्सीड होना है, यू स्पेंड लेस देन यू अर्न, इन्वेस्ट श्रूडली एंड डू अ लॉट ऑफ डिफर्ड ग्रेटिफिकेशन. अगर आप ये नहीं करते हो, इफ यू डोंट वॉन्ट टू नीड अ लॉट ऑफ लक, सॉरी यू आर गोइंग, एंड इफ यू डोंट डू यू आर गोइंग टू नीड अ लॉट ऑफ लक. अगर आप ये नहीं करते हो तो फिर जीवन में बहुत लक लगेगा आपको कामयाब होने के लिए, या इन्वेस्टमेंट पे बहुत लक लगेगा कामयाब होने के लिए. राइट. यहाँ पे मैं पहला मुद्दा या पहला रेसिपी वेल्थ बिल्ड करने का क्लोज करता हूँ, एंड दैट इज सेव मोर. दूसरा जो सेव मोर से ज्यादा लोग समझते हैं एक्चुअली, बट करते नहीं है, एंड दैट इज गिव टाइम टू योर इन्वेस्टमेंट. जितना ज्यादा समय उतना ज्यादा वेल्थ. रिटर्न के ऊपर मैं आखिर में आऊंगा. आप सब लोग फोकस रिटर्न पे पहले करते हैं, मैं रिटर्न के ऊपर बाद में आऊंगा. सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज है गिव टाइम टू योर इन्वेस्टमेंट. जितना हो सके समय आपके इन्वेस्टमेंट को ज्यादा समय दो. ज्यादा समय दोगे तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसको हिंदी में चक्रवर्ती ब्याज बोलते हैं, वो आपकी मदद करेगा वेल्थ बिल्ड करने में, संपत्ति सर्जन करने में. वो एग्जांपल को समझाने के लिए ये एग्जांपल मैंने आपको लिया है. बहुत अच्छी तरीके से ये एग्जांपल आपको समझा देगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. टाइम. राइट. ये दो दोस्त है, मान लो राम और श्याम. राइट. दोनों सेम स्कूल में पढ़े, सेम सोसाइटी में रहते हैं, साथ में कॉलेज किया, साथ में MBA किया, और MBA के बाद दोनों साथ में एक ही कंपनी में जॉब पे लगे. लेकिन दोनों का इन्वेस्टमेंट के बारे में, बचत के बारे में व्यू अलग अलग है. राम ये बोलता है या बोलते हैं कि मैं अभी से 10,000 रुपया महीने का बचाना शुरू कर दूंगा. श्याम ये बोलता है कि भाई अभी तो मेरे जीवन के मजे लेने के दिन है, अभी तो मेरे नो लाइफ को एंजॉय करने के दिन है, गाड़ी लेने के, बाइक लेने के दिन है, घड़ी लेने के, कपड़े लेने के दिन है, मैं जब समय आएगा तब ज़्यादा बचा लूँगा. तो वो एट द एज ऑफ 45 इन्वेस्टमेंट करना शुरू करता है, बट डबल इन्वेस्टमेंट करता है. राम ने महीने के 10,000 रुपया बचाना शुरू किया था, श्याम ने महीने के 20,000 रुपया बचाना शुरू किया, लेकिन 20 साल बाद. दोनों रिटायरमेंट तो 60 साल की उम्र में ही होने वाले हैं. तो राम ने इन्वेस्ट किया फॉर 35 ईयर्स, श्याम ने इन्वेस्ट किया फॉर 15 ईयर्स, क्योंकि 45 साल से शुरू किया था, इसके पास 15 साल ही बचे थे श्याम के पास, और इन्होंने 25 साल में शुरू किया था, तो इनको 35 साल मिले, ज़्यादा समय मिला. दोनों ने इन्वेस्टमेंट तो मोर ऑर लेस सेम किया, दोनों को रिटर्न भी मोर ऑर लेस सेम मिला. मैंने अनुमान किया है, जो हमको एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया की गाइडलाइंस के हिसाब से रिटर्न जो अज्यूम हम लोग कर रहे हैं वो बताना पड़ता है कि भाई दोनों को रिटर्न मिला 12.64%. लेकिन फिर भी दोनों की संपत्ति में लंबा डिफरेंस है. राम रिटायर होगा विथ अ वैल्यू ऑफ 6.43 करोड़ रुपीज, और श्याम रिटायर होगा विथ अ वैल्यू ऑफ 1.01 करोड़. 5.5 करोड़ रुपए का अंतर है. इन्वेस्टमेंट सेम है, रिटर्न भी सेम है, सिर्फ समय का अंतराल है. ये समय से फर्क पड़ता है. राइट. ये चीज मैं अलग तरीके से अगर आपको समझाऊं, तो अगर आप 20,000 रुपया बचाते हो, आपको 12.64% रिटर्न मिलता है 15 साल के लिए, तो आपका 1 करोड़ रुपया बनता है.
बट वही 20,000 वही 12,64,15 के बदले मैं 30 करूँ तो दिमाग ये बोलेगा कि 2 करोड़ बनना चाहिए, बट नहीं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग ऐसे काम नहीं करता है। वो एक का दो नहीं होता है, वो एक का 7 होता है, 7 करोड़ रुपया बनता है। और ये दूसरा रेसिपी है टू बिल्ड वेल्थ, एंड दैट इज गिव टाइम टू योर इन्वेस्टमेंट। 25-30% रिटर्न 4-5 साल में आ जाए, उसके उसका कोई मायने नहीं है, जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट 12-13% रिटर्न 25-30 साल में आए, उससे जीवन बदल जाएगा पूरा। वही तो ये लाइन आपको बता रही है कि 20,000 रुपया 12.64% 30 ईयर्स 7 करोड़, लाइफ ट्रांसफर हो जाए, लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है पूरी, सारे गोल्स जो है जीवन के, फाइनेंशियल नीड जो है वो पूरे हो जाएंगे, राइट। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज टू बिल्ड वेल्थ, गिव टाइम टू योर इन्वेस्टमेंट। अब तीसरे के ऊपर आते हैं, एंड दैट इज इन्वेस्ट एट द राइट प्लेस। ज्यादा बचाना जरूरी है, ज्यादा समय देना जरूरी है, लेकिन ये दोनों के साथ साथ वो जो पैसा बचा रहे हो और वो जो समय दे रहे हो वो सही जगह पे देना भी बहुत जरूरी है। पहले तो इन्वेस्ट करना ही क्यों जरूरी है उसकी बात करते हैं, फिर सही जगह पे क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए उसके ऊपर बाद में आते हैं। इन्वेस्ट करना इसीलिए जरूरी है बिकॉज अपने जो भी फाइनेंशियल नीड्स है उनको पूरा करने में सबसे बड़ा जो हर्डल आता है, सबसे बड़ा जो अड़चन आती है वो है इन्फ्लेशन, महंगाई। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं मैंने, पेट्रोल का एग्जाम्पल ले तो 1990 में पेट्रोल 10 रुपये लीटर मिलता था, 2003 में 32 रुपये लीटर मिलता था, आज मुंबई की बात करो तो 106 रुपये लीटर है। अगर इसका महंगाई निकालो आप ये 33 सालों की तो कुछ 7-7.5% आती है। सिमिलरली डीजल की 10% आती है, दूध की 8% आती है। तो महंगाई अपने गोल्स को दिन ब दिन हमसे दूर करती जाती है। जो मैंने पास्ट में भी अभी एग्जांपल दिया कि भाई बच्चे के एजुकेशन के लिए अगर मुझे आज 10 लाख रुपया लगेंगे तो वो आज 10 लाख लगेंगे, मेरा बच्चा तो आज 5 साल का है, मुझे पैसा लगेगा 15 साल बाद, तो तब 10 लाख नहीं लगेंगे, वो 10 लाख के बदले शायद 25-30 लाख लगेंगे। महंगाई की वजह से मेरा गोल मेरे से और दूर हो गया पैसे की वैल्यू में, और पैसे की वैल्यू दिन ब दिन कम होती जाती है। यही 7% इन्फ्लेशन अगर मैं पढ़ूँ तो 1990 में अगर 1 लाख रुपया मेरे पास था, उसकी वैल्यू 10 साल के बाद 50,000 रुपये हो गई। गिनने में तो 1 लाख ही रहेंगे बट उसकी खरीदने की शक्ति आधी हो जाती है, और 10 साल के बाद उसकी खरीदने की शक्ति और आधी हो जाती है, और 10 साल के बाद उसकी खरीदने की शक्ति और आधी हो। मतलब आप ऐसा थंब रूल मान के चलो कि हर 10 साल के बाद आपके पैसे के चीज़ों को खरीदने की शक्ति आधी होती जाती है, एवरी 10 ईयर्स, उसको महंगाई बोलते हैं। इसीलिए पैसा तिजोरी में रखना, गद्दे के नीचे रखना, बढ़नी में रखना, ये इज नॉट एडवाइजेबल बिकॉज उसकी वैल्यू दिन ब दिन जो है वो कम होती जाती है। इन्वेस्टिंग एट द राइट प्लेस, खाली इन्वेस्टिंग नहीं, इन्वेस्टिंग एट द राइट प्लेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और उसकी बातें आगे करते हैं। पहले तो क्यों इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज द डिफरेंस इज रिमार्केबल। वही 20,000 रुपये का एग्जाम्पल जो मैं कब से लेके आ रहा हूँ उसी को लेके आगे बढ़ो, तो 20,000 रुपया अगर ये 30 साल है, सॉरी गलती से 25 साल लिखा हुआ है, 20,000 रुपया अगर मैं 30 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूँ, 6% रिटर्न अगर मिलता है तो वो मोटा मोटी 2 करोड़ रुपया होता है। एट द रेट ऑफ 8% वो मोटा मोटी 3 करोड़ रुपया होता है, और एट द रेट ऑफ 12.64% जो अभी हमने पास्ट में भी पिछली स्लाइड में भी देखा वो 7 करोड़ रुपया होता है। इसलिए इन्वेस्टिंग एट द राइट प्लेस जहाँ पे हमको सही रिटर्न आए वो भी वेल्थ बिल्डिंग के लिए बहुत जरूरी है। अब क्या रिटर्न पास्ट में आए हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स में वो देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली एक आइडिया हमको लगेगा कि भाई 12-13% के आजू बाजू का रिटर्न अगर हमको चाहिए तो कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट। तो ये पिछले 40-41 सालों का इंडिया का एक्चुअल अलग अलग प्रोडक्ट्स का रिटर्न है, मार्च 1982 से लेके मार्च 2023 के पीरियड का, मतलब एग्जैक्टली 41 सालों में इंडिया में अलग अलग प्रोडक्ट ने क्या रिटर्न दिया है।
तो इन 41 सालों में इन्फ्लेशन कुछ 6.4% 6.5% के आजू बाजू रहा है, महंगाई इन 41 सालों में कुछ 6.5% के आजू बाजू रही है। इसका मतलब ये हुआ कि 1982 में 1,000 रुपये की वैल्यू और आज के 12,710 की वैल्यू सेम है, मतलब तब का 1,000 और आज का 12,710 सेम चीज़ें खरीद पाएगा। तब जितनी चीज़ें 1,000 रुपये में मिलती थी आज उतनी चीज़ें खरीदने में 12,710 रुपया लगेगा। इन 41 सालों में महंगाई रही है 6.5%। इन 41 सालों में गोल्ड ने रिटर्न दिया है 8.63%, मोटा मोटी 8.5, मतलब महंगाई से 2.25% ज़्यादा। 1,000 रुपये की वैल्यू गोल्ड ने करके दी है 29,740, मोटा मोटी 30,000 रुपये। सिल्वर में 7.98%, मतलब मोटा मोटी 1,000 की वैल्यू 23,000 हुई है। बैंक डिपॉजिट में, जबकि ब्याज दर अलग अलग थे इन 40 सालों में, कभी 14% भी थे, कभी 12 भी थे, कभी 11 भी थे, कभी 9 भी थे, कभी 6 भी थे, कभी 7 भी थे, एवरेज 8.3% बैंक रेट रहे हैं इन 41 सालों में। तो 1,000 की वैल्यू 26,280 हुई। कंपनी जो बैंक से थोड़ा ज़्यादा ब्याज देती है, कंपनी डिपॉजिट में 9.3% ब्याज रेट रहे हैं इन 41 सालों में, 1,000 की वैल्यू 38,000 हुई। और सेंसेक्स ने इन 41 सालों में कुछ 14.64% रिटर्न दिया है महंगाई से, 8.24% ज़्यादा। वैसे देखने जाए तो 9.3 और 14.64 में 5% का डिफरेंस है, बट 5% का डिफरेंस फॉर अ पीरियड ऑफ 41 ईयर्स से फर्क क्या पड़ता है। 1,000 रुपये की वैल्यू सेंसेक्स में हुई है 270,970 रुपये। ये इंडिया में पिछले 40-41 सालों में अलग अलग प्रोडक्ट्स का एक्चुअल रिटर्न है, राइट? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इक्विटीज बिल्ड वेल्थ। इक्विटीज आपके पैसे की वैल्यू को बढ़ाता है, पैसे के चीज़ों के खरीदने की वैल्यू को बढ़ाता है। एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है वो समझाने के लिए कि भाई कैसे वेल्थ बिल्ड इक्विटी करता है, राइट? पहले तो वेल्थ बिल्ड करने के लिए ज़रूरी क्या है, महंगाई के ऊपर रिटर्न आना बहुत ज़रूरी है। महंगाई जितना रिटर्न आया या महंगाई से कम रिटर्न आया तो वेल्थ बिल्ड नहीं होगा, एक्चुअली वेल्थ इरोड होगा। यहाँ पे इक्विटी में महंगाई से 6.64% के बदले 14.64% रिटर्न आया, मतलब महंगाई से 8% ज़्यादा। उससे आपकी परचेजिंग पावर में, आपकी चीज़ों की खरीदने की शक्ति में क्या फ़र्क आया है, तो एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। मान लो 1982 में साइकिल का प्राइस था 1,000 रुपये, राइट? इन 41 सालों में जो इन्फ्लेशन रहा है, वो इन्फ्लेशन की वजह से आज वही साइकिल आप खरीदने जाओगे तो 12,710 रुपये की वो साइकिल आपको मिलेगी, राइट? अगर आपने तब गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता तो गोल्ड में कितनी वैल्यू हो गई? गोल्ड में हो गई वैल्यू आपकी मोटा मोटी 30,000 रुपये। 30,000 रुपये लेके आज आप साइकिल लेने जाओगे तो आपको मोटा मोटी 2.5 साइकिलें मिलेंगी, बिकॉज एक साइकिल आज 12,710 रुपये की है, 1,000 की नहीं है। 1,000 की तो तब थी, इन्फ्लेशन की वजह से आज 12,710 हो गई है। तो आपको वैसे देखने में लगता है कि अरे 1,000 की वैल्यू 30,000 हो गई। नहीं, 1,000 की वैल्यू 30,000 नहीं हुई है, आपका पैसा इन 40 सालों में मोटा मोटी 2.5 गुना हुआ है। लगता है 30 गुना हुआ है, बट एक्चुअल में हुआ है 2.5 गुना। बैंक FD में वो पैसा 3 गुना हुआ है और इक्विटीज में वो पैसा 20 गुना हुआ है। वैसे देखने जाए तो 1,000 का 270,000 हुआ है, 270 times हुआ है, बट नहीं, इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए वो पैसा 20 गुना हुआ है। दिस इज हाउ इक्विटीज बिल्ड वेल्थ, राइट? एंड दैट इज व्हाई तीसरा इंपॉर्टेंट रेसिपी टू बिल्ड वेल्थ इज इन्वेस्ट एट द राइट प्लेस। और जब मैं राइट प्लेस बोलता हूँ, इन्वेस्ट इन इक्विटीज, राइट? कुछ आंकड़े में आपको, या पहले इक्विटी के बारे में थोड़ा एक बेसिक बात कर लेता हूँ, क्योंकि
काफी लोग ये वेबिनार ऐसे अटेंड कर रहे हैं जो शायद कभी भी इक्विटी के बारे में या इक्विटी में कभी इन्वेस्ट किया नहीं होगा, या इन्वेस्ट किया भी होगा तो इक्विटी को अच्छे से समझते नहीं होंगे। तो इक्विटी क्या है? इक्विटी हम लोग सुबह शाम बोलते रहते हैं, शेयर, मैंने ये शेयर खरीदा, मैंने ये शेयर बेचा, राइट। शेयर एक इंग्लिश शब्द है। शेयर अगर आप, या पूरी इंडिया में जितने भी लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो शेयर को हिंदी भाषा में ट्रांसलेट करेंगे तो शेयर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। शेयर को अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो हिस्सा होता है। इक्विटी मतलब शेयर, और शेयर मतलब हिस्सा। मतलब जब आप शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप किसी कंपनी में हिस्सा खरीद रहे हो, राइट। सो बेसिकली एसेंशियली इक्विटी में इन्वेस्ट करना मतलब किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना। अब जब हीरो का शेयर खरीदते हो, आप हीरो के हिस्सेदार बन रहे हो। अब जब HDFC बैंक के शेयर खरीदते हो, आप HDFC बैंक के हिस्सेदार बन रहे हो। अब जब रिलायंस के शेयर खरीदते हो, आप रिलायंस के हिस्सेदार बन रहे हो। इक्विटी में इन्वेस्ट करना मतलब बिजनेस में इन्वेस्ट करना। आप खुद शायद वो बिजनेस नहीं कर सकते हो, उतना कैपिटल नहीं है आपके पास, या उतना नॉलेज नहीं है आपके पास, लेकिन वो बिजनेस कोई कर रहा है, उस बिजनेस में आप हिस्सेदार बन सकते हो। आप आज इंडिया में एक बैंक नहीं खोल सकते हो, लेकिन आज आप HDFC बैंक का शेयर खरीद के उसके हिस्सेदार बन सकते हो, उसके मुनाफे में हिस्सेदार बन सकते हो। आपको लगता है कि बहुत सारे लोग डोमिनोज में जाके पिज्जा खरीद रहे हैं, तो आप डोमिनोज के हिस्सेदार बन सकते हो। एंड आपको लगता है कि इंडिया में आने वाले समय में बाइक्स बहुत बिकेंगे, तो आप हीरो के हिस्सेदार बन सकते हो। इन्वेस्टिंग इन इक्विटी मतलब किसी बिजनेस का हिस्सेदार बनना। जैसे उस बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा, उस बिजनेस की वैल्यू बढ़ेगी, और जैसे उस बिजनेस की वैल्यू बढ़ेगी, उसके हिस्से का प्राइस बढ़ेगा। हिस्से का प्राइस मतलब शेयर का प्राइस बढ़ेगा। ये सिंपल 2 मिनट में मैंने आपको इक्विटी या शेयर समझाने की कोशिश करी। शेयर मतलब हिस्सा, राइट। और जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ेगा, शेयर का प्राइस बढ़ेगा ही। ये एक आंकड़ों से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई सेंसेक्स हम लोग रोज देखते रहते हैं कि 70,000 हो गया, राइट। जो जनवरी 1991 में 982 हुआ करता था, मतलब 1,000 हुआ करता था, तो वैसे देखने में लगता है 1,000 का 70,000 हो गया। कुछ 13.5% 14% के आजू बाजू से सेंसेक्स 91 से 2024 के दरमियान बढ़ा है, मतलब मोटा मोटी 33 सालों में। क्यों बढ़ा है 14% से, वो कोई बात नहीं करता है। वो इसलिए बढ़ा है कि सेंसेक्स की जो कंपनियां हैं, उन्होंने अपना मुनाफा 12.5% से बढ़ाया है। उनका मुनाफा हुआ करता था 59 रुपीज पर शेयर, वो आज हो चुका है मोटा मोटी 3,000 रुपये पर शेयर। क्योंकि मुनाफा बढ़ा है 12.5-13% से, सेंसेक्स 1,000 का 70,000 हो गया, 13-14% से बढ़ा है। जैसे मैंने आपको बताया, शेयर मतलब हिस्सा, हिस्सा मतलब आप किसी बिजनेस में हिस्सेदार बन रहे हो। वो बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, और वैल्यू बढ़ेगी तो हिस्से का दाम बढ़ेगा। वही मैंने आपको आंकड़ों से बताया। इन 30-33 सालों में सेंसेक्स 70 गुना हो गया है। सेंसेक्स 70 गुना क्यों हुआ है? बिकॉज कंपनियों का मुनाफा 70 गुना हुआ है। आपको लगता है कि यहां से कंपनियों का मुनाफा आने वाले 30 सालों में बढ़ेगा, तो उसके हिस्सेदार अगर आपको बनना है, उस मुनाफे के हिस्सेदार आपको बनना है, तो आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। और वो जब मैं राइट प्लेस की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट इक्विटी। काफी लोग इक्विटी की जब मैं बात करता हूँ तो गारंटी की बात करते हैं कि भाई गारंटी क्या है, राइट। ऑब्वियसली कोई गारंटी नहीं है, बट जीवन में अगर आप शांति से कभी आंख बंद करके सोचोगे, तो जीवन में एक्चुअली डेथ के अलावा कोई गारंटी नहीं है। एक ही चीज है गारंटेड, और वो है डेथ। बाकी कोई चीज की गारंटी नहीं है। खैर, वो थोड़ी फिलोसॉफिकल बात मैंने कर दी। गारंटी का जवाब मैं कुछ इस तरीके से दूंगा
कि अगर आप एक साल के लिए इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो, कभी भी किसी ने अगर एक साल के लिए इक्विटी में इन्वेस्ट किया, 44 साल हो गए ना सेंसेक्स को, किसी भी दिन इन्वेस्ट किया, एक साल के बाद निकाला, तो ऐसा देखा गया है कि 27% बार लॉस होता है, नेगेटिव रिटर्न आता है, 38% बार 8% से कम रिटर्न आता है, और 50% बार 12% से ज़्यादा का रिटर्न आता है। मतलब 50-50 चांस है कि आप पैसा बनाओगे अगर आप एक साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो। जैसे ही आप समय बढ़ाते हो, एक का तीन करते हो, फिर भी लॉस होने के चांसेस तो है बट कम हो गए, तीन का पांच करते हो लॉस होने के चांसेस और कम हो गए, और जैसे इसको आप 7, 10, 15, 20, 25, 30 लेके जाते हो, नेगेटिव रिटर्न होने के चांसेस जीरो होते जाते हैं, या जीरो तो नहीं बोलूंगा मैं, कम होते जाते हैं, और 12 या 12 से ऊपर% रिटर्न आने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। 50 का 60 हुआ, 60 का 70 हुआ, 70 का 80 हुआ, 80 का 90 हुआ। तो ये सिंपल मेरा जवाब है गारंटी के प्रश्न का कि भाई क्या गारंटी है। गारंटी कोई नहीं है, बट जैसे जैसे आप समय दोगे आपके लॉस होने के चांसेस जो है वो कम होते जाते हैं, और एक अच्छे रिटर्न, अच्छा डबल डिजिट रिटर्न आने के चांसेस जो है, या प्रोबेबिलिटी जिसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं, वो बढ़ती जाती है। फिर काफ़ी लोग बोलते हैं कि यार ठीक है, बट वॉलेटाइल बहुत है, ऊपर नीचे बहुत होता है। तो हाँ, ऊपर नीचे बहुत होता है, राइट। ये सेंसेक्स का चार्ट है, वही 30-40 सालों का सेंसेक्स का चार्ट है। तो या ये देखोगे आप तो यहाँ पे इन्वेस्ट किया है तो ये इतना वॉलेटाइल है, ये लीमन ब्रदर बैंकरप्ट हुआ था तब का पीरियड है, ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का पीरियड है, ये कारगिल वॉर का पीरियड है, ये यहाँ पे इन्वेस्ट किया है तो यहाँ पे ये वॉलेटाइल है, ये इन्वेस्ट किया है तो ये वॉलेटाइल है, डेफिनेटली है, बट वो शॉर्ट टर्म में है। अगर आप पूरे 40 साल के पीरियड को बर्ड्स आई व्यू से देखोगे तो आपको सिर्फ ग्रोथ दिखेगा, राइट। फिर काफ़ी लोग बोलते हैं कि चलो वॉलेटिलिटी भी मैं सहन कर लूँगा, मैं ठीक है, गारंटी भी आप, मैं समझ गया कि भाई समय दूंगा तो रिस्क या प्रोबेबिलिटी नेगेटिव रिटर्न आने की जो है वो कम होती जाती है, बट मैं ऐसे भी शेयर में इन्वेस्ट कर सकता हूँ ना जो कम्प्लीटली कंपनी ठप हो जाए, जैसे कि किंगफिशर या पास्ट में ये सब कंपनियाँ हैं जो कभी ना कभी ठप हुई है, या जिनकी शेयर की वैल्यू ना के बराबर हो गई है, या दीवान हाउसिंग या एसआर स्टील या रिलायंस कम्युनिकेशन या जेट एयरवेज, उसका क्या? तुम लोग तुम बोलते हो इक्विटी तो बहुत अच्छा है, इक्विटी वेल्थ क्रिएट करता है या वेल्थ बिल्ड करता है, अच्छा रिटर्न आना बहुत ज़रूरी है वेल्थ बिल्ड करने के लिए, और अच्छा रिटर्न इक्विटी में आता है, पर ये भी तो इक्विटी था। ये तीसरा पॉइंट है जो काफ़ी लोग इक्विटी के बारे में बात करते हैं। तो इक्विटी डेफिनेटली ज़रूरी है, या इक्विटी डेफिनेटली वेल्थ बिल्ड करता है, और इक्विटी में दूसरी बात ये भी सही है कि ऐसी चीज़ भी हो सकती है जो किंगफिशर के साथ हुई, या जो एसआर स्टील के साथ हुई, या जो जेट एयरवेज के साथ हुई, और उसका जवाब है म्यूचुअल फंड। बिजनेस अच्छा है, बट कौन सा बिजनेस अच्छा है वो तय करना आसान काम नहीं है। वो तय करने के लिए एक्सपर्टीज चाहिए, वो तय करने के लिए अनुभव चाहिए, वो तय करने के लिए बिजनेस का नॉलेज चाहिए, बिजनेस की बैलेंस शीट पढ़ने का, समझने का नॉलेज चाहिए, राइट। अच्छा बिजनेस आइडेंटिफाई करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कंपनी को स्टडी करने के लिए समय चाहिए, और वो कंपनी को रेगुलर मॉनिटर करते रहना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हम डे टू डे बेसिस पे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज अपना कोई दूसरा जॉब है, कोई अपना दूसरा बिजनेस है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बिजनेस चला रहा है, कोई कहीं पे जॉब कर रहा है, अपना अपनी अलग फील्ड में नॉलेज है, अपनी अपनी फील्ड में एक्सपीरियंस है, अपना अपने फील्ड में एक्सपर्टीज है। सिमिलरली म्यूचुअल फंड्स का, उनकी फील्ड का नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो लोग पूरा समय यही काम करने में लगाते हैं, एंड दे रेगुलरली मॉनिटर अ बिजनेस। तो इक्विटी ज़रूरी है, या इक्विटी सही है, या इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन उसमें इन्वेस्ट करने के लिए म्यूचुअल फंड्स
सही है राइट और आखिरी मुद्दे के ऊपर मैं आता हूँ एंड दैट इज SIP म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का एक तरीका होता है SIP। आज के ज़माने में सब लोग ने SIP सुना है और मेरे ख्याल से आप में से काफ़ी लोगों ने SIP करा भी होगा। SIP की खूबी क्या है पता है, मैंने आपको जो अभी वेल्थ बिल्ड करने का फॉर्मूला बताया ना, ज़्यादा बचाओ, लंबे समय के लिए बचाओ और राइट जगह पे इन्वेस्ट करो, ये तीनों चीज़ SIP के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इनटू एन इक्विटी म्यूचुअल फंड, आपका पैसा ऑटोमेटिकली महीने के स्टार्टिंग में कट जाएगा या जो डेट आपने डिसाइड करी है वो तारीख को कट जाएगा। आप ऑटोमेटिकली यू विल सेव मोर, वो पैसा इन्वेस्ट होगा इक्विटी म्यूचुअल फंड में, मतलब एट द राइट प्लेस हो रहा है। और वो SIP अगर आप लंबे समय के लिए चलाओगे तो ऑटोमेटिकली आप समय दे रहे हो। और ये तीन चीज़ है टू बिल्ड वेल्थ, ये तीन चीज़ ज़रूरी है टू बिल्ड बिल्ड वेल्थ। अब SIP के अंदर ये कुछ नंबर्स है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। से फॉर एग्जांपल आप में से किसी को 10 करोड़ रुपए की वेल्थ बिल्ड करनी है और आपके पास मान लो 25 साल है, तो SIP से क्या होगा कि अगर आप 8% वाले किसी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हो तो महीने का 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बट अगर आप SIP करते हो और मान लो आपको 12.64% के आजू बाजू का रिटर्न मिलता है तो यू नीड टू इन्वेस्ट 50,000 रुपीज अ मंथ राइट। अब SIP के अंदर भी पिछले कुछ सालों में एक वेरिएशन आया है एंड दैट इज टॉप अप SIP, और बहुत बढ़िया बहुत अच्छा वेरिएशन आया है जिसको हम लोग बोलते हैं टॉप अप SIP। टॉप अप SIP क्या होता है कि भाई आप शुरू तो करते हो एक अमाउंट से, वो अमाउंट फिर हर साल के एंड में एक सर्टेन छोटे अमाउंट से बढ़ जाता है। मान लो आपने 10,000 रुपये से SIP शुरू करी, वो 10,000 रुपये और जनवरी 2020 में शुरू करी, वो 10,000 रुपया जनवरी 2021 में ऑटोमेटिकली 11,000 हो जाएगा, जनवरी 2022 में 12,000 हो जाएगा, जनवरी 2023 में 13,000 हो जाएगा, जनवरी 2024 में ऑटोमेटिकली वो 14,000 हो जाएगा। उससे फ़र्क क्या पड़ेगा, उससे फ़र्क ये पड़ेगा कि नॉर्मल SIP अगर आप 10,000 की करते हो तो 30 सालों में 2.5 करोड़ रुपया बनता है, सॉरी 3.5 करोड़ रुपया बनता है। बट अगर वो 10,000 की SIP आप हर साल सिर्फ 1,000 रुपये से बढ़ाते हो तो 3.5 के बदले वो मोटा मोटी 6 करोड़ रुपया होता है, डिफरेंस ऑफ 2.5 करोड़। दिस इज द पावर ऑफ SIP एंड SIP के ऊपर पावर ऑफ टॉप अप SIP राइट। सो या इतनी बात मुझे करनी थी, एंड वहीं पे करता हूँ जहाँ पे मैंने शुरू किया था। रेसिपी टू बिल्ड वेल्थ, वेल्थ बिल्ड करनी है तो उसकी रेसिपी क्या है स्मॉल में, बात सब लोग करेंगे रिटर्न की, बट रिटर्न के साथ साथ इम्पॉर्टेंट है कि आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करो और ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इज कि यू सेव मोर। 100 रुपया कमाते हो, 2 रुपया बचाओगे, 25% रिटर्न आएगा, 3 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे, कोई जीवन में फर्क नहीं पड़ेगा। बट 100 कमाते हो, 25 बचाते हो, 25 साल के लिए बचाते हो और 12-13% रिटर्न आएगा, लाइफ चेंज हो जाएगी। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू अगेन ये वेबिनार में जुड़ने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने बातें करी वो आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने में, आपके जीवन के फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने में और इन जनरल वेल्थ बिल्ड करने में आपको मदद करें। आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टेक। तो मेरे साथ स्वप्निल है, स्वप्निल इफ एनी क्वेश्चंस प्लीज। यस सर, पहले तो बहुत सारे एप्रिसिएशन आए सर, थैंक यू। इतना सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में आपने इक्विटी और इक्विटी वेल्थ बिल्ड करने के बारे में समझाया, बहुत बहुत है ना। इससे और बेसिक लेवल पे हम जा ही नहीं सकते, ये बहुत ना बेसिक लेवल से बात की थी आपने, इसलिए एप्रिसिएशन बहुत आया है। कुछ एक क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ सर ना, उसमें ऐसा जस्ट नॉर्मली यही ट्रेंड दिख रहा है क्वेश्चंस में कि भाई ये लेवल पे मार्केट बहुत हाई है तो क्या ये सही समय है इक्विटी में निवेश करने का। ठीक है, क्वेश्चंस थोड़े अदला बदल हो रहे हैं लेकिन जो डायरेक्शन है वो यही दिख रहा है क्वेश्चंस का।
काफी लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं आज, क्योंकि वो पेपर में आता है ना, मार्केट टच इज ऑल टाइम हाई, मार्केट 71,000 हो गया, मार्केट टच इज 72,000, मार्केट टच इज 73,000, तो यार ये क्वेश्चन आते हैं काफी लोगों के। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक स्लाइड बताई, उससे यह आपका क्वेश्चन का जवाब मेरे ख्याल से उसी स्लाइड के अंदर आ जाएगा कि भाई आप ये एक्चुअल डेटा है फॉर अ पीरियड ऑफ 1996 to 2023, ये 30 सालों का डेटा है जो ये बोलता है कि भाई ये पीरियड, ये 30 सालों में ऐसे पीरियड आए होंगे ना कि भाई जब मार्केट ऑल टाइम हाई था, उसके बावजूद 7 years, 10 years, 15 years में नेगेटिव रिटर्न आने के प्रोबेबिलिटीज जीरो तो मैं नहीं बोलूंगा, बट काफी 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 कम है। इम्पॉर्टेंट है समय, समय ये कितना आप इन्वेस्ट करने के बाद देते हो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन लेवल। और लेवल की राह देखने में दूसरा क्या प्रॉब्लम हो जाता है पता है, लेवल के राह देखने में हम लोग समय कम दे पाते हैं, और वेल्थ बिल्ड करने में जो तीसरा इंग्रेडिएंट था या तीसरी रेसिपी या तीसरा पॉइंट था कि यू नीड टू गिव टाइम, राइट लेवल जब बढ़ रहा होता है तब लगता है कि अरे यार बहुत हाई हो गया, हम लोग समय निकाल देते हैं इन्वेस्ट करने में या गिरने की राह देखने में, और जब गिर रहा होता है तब क्योंकि माहौल इतना नेगेटिव हो गया होता है हम लोग राह देखते हैं, या अपने को डर लगता है कि यार ये तो और गिरेगा, या ये तो अभी इक्विटी के लिए सब सत्यानाश हो गया, ये तो राइट समय है ही नहीं इन्वेस्ट करने के लिए, तो फिर समय बर्बाद हो जाता है। यू नो जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है तब फिर समय बर्बाद हो जाता है उसको वापस स्टेबल होने की राह देखने में, टाइम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी इक्विटी में आप जैसे जैसे समय देते हो आपकी प्रोबेबिलिटी या रिस्क जो है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो मार्केट ऑल टाइम हाई अगर आपका क्वेश्चन है इन्वेस्ट करूँ कि नहीं करूँ, तो जवाब यही है कि अगर आपका टाइम होराइजन 15, 20, 25, 30 साल है तो इट डजंट मैटर कि आज मार्केट 70,000 है या 65 है या 75 है। परफेक्ट, और एसआईपी करने से भी उसका कोई रिलेवेंस रहता नहीं है मार्केट। एग्जैक्टली, ये दूसरा अच्छा पॉइंट स्वप्निल आपने मेरे को याद दिलाया कि उसमें भी अगर आप इन्वेस्ट भी कर रहे हो विथ एसआईपी तो ऑटोमेटिकली अगर मान लो मुझे नहीं पता मार्केट कल क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा, ऑल टाइम हाई की वजह से मार्केट गिरता नहीं है, मार्केट गिरता है फॉर वेरियस अदर रीजन, बट अगर मान लो गिरता भी है तो आप इन्वेस्ट कर रहे हो बाई वे ऑफ एसआईपी, ऑटोमेटिकली आप लो लेवल पे ज़्यादा यूनिट्स खरीदोगे जो लंबे समय में आपको एवरेजिंग करने में काम आएंगे और वेल्थ बिल्ड करने में काम आएंगे। परफेक्ट सर, और एक दूसरा क्वेश्चन जो आ रहा है वो आई गेस देर आर सीनियर सिटीजन्स इन दी स्टेशन, वो पूछ रहे हैं कि आपने जो बात करी है वो इन्वेस्टमेंट की बात करी है और रेगुलर इन्वेस्टमेंट थ्रू एसआईपी की बात करी है, लेकिन मेरे पास अभी एसआईपी के लिए पैसे नहीं है लमसम पैसे, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट जो है वो रेगुलर इनकम की है, तो क्या इज देयर एनी ऑप्शंस इन द म्यूचुअल फंड वेयर इन आई विल गेट द रेगुलर इनकम। या इसी क्वेश्चन के अलग वेरिएशन में लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड में मेरे लिए क्या है, खास करके सीनियर सिटीजन ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड में मेरे लिए क्या है, या हम लोग जब बोलते हैं कि भाई समय ज़्यादा दो तो वो लोग बोलते हैं कि भाई नो समय ही तो नहीं है मेरे पास, या मेरे पास अभी कम समय है, राइट। सो म्यूचुअल फंड में एक एसआईपी के साथ साथ एक दूसरी सुविधा भी होती है जिसको बोलते हैं एसडब्ल्यूपी, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, ये खास करके ऐसे लोगों के लिए है जिनको आज लमसम इन्वेस्ट करना है और उसमें से रेगुलर इनकम चाहिए। एसआईपी क्या करती है, एसआईपी में आप छोटा 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 अमाउंट हर महीने इकट्ठा करते हो और वो 20, 25, 30 सालों में एक बड़ा वेल्थ बिल्ड करके आपको देता है जी। उसका उल्टा होता है कि भाई आपके पास आज पैसा है, आप रिटायर हुए हो एंड यू हैव सर्टेन मनी, 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, उसमें से आपको रेगुलर इनकम चाहिए टू लिव अ रिटायरमेंट वाली लाइफ, राइट।
सो SWP होता है कि भाई आप म्यूचुअल फंड की एक टाइप की स्कीम होती है हाइब्रिड या तो बैलेंस एडवांटेज फंड, उसमें आप इन्वेस्ट करो और उसमें से आप रेगुलर विड्रॉवल कर सकते हो जिससे आप आपका रिटायर्ड लाइफ जी सकते हो। उसमें बाकी प्रोडक्ट्स भी है ऑप्शंस में मार्केट में, जैसे कि FDs है, जैसे कि पोस्ट में MIS है, काफ़ी लोग दुकान या घर खरीद के रेंट पे चढ़ाते हैं, राइट। ये तीनों से म्यूचुअल फंड का SWP इज मच बेटर दो एंगल से, एक तो जो भी इनकम आती है उसके ऊपर, बाकी तीनों के कंपैरिजन में टैक्सेशन कम लगता है, एंड सेकंड आफ्टर 15, 20, 25 ईयर्स बाकी तीनों प्रोडक्ट में देर इज नो एप्रिसिएशन, जो इन्वेस्ट किया था वही वापस आएगा। म्यूचुअल फंड में देर आर प्रोबेबिलिटीज एंड वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एप्रिसिएशन, तो एक तो टैक्स कम लगेगा, मंथली इनकम जो है वो बाकी प्रोडक्ट से थोड़ी बेटर आएगी, प्लस आफ्टर 15-20 ईयर्स या आफ्टर 10 ईयर्स से फॉर एग्जाम्पल एप्रिसिएशन के चांस है, जो FD में प्रिंसिपल वापस आता है और पोस्टल FIS में भी प्रिंसिपल वापस आता है। परफेक्टली सर, एप्ली सेट, बराबर। तो डियर इन्वेस्टर्स, आई गेस आज आप इक्विटी से वेल्थ बिल्ड करने के लिए किस तरीके से काम करना चाहिए उसके बारे में तो इनलाइटन हुए होंगे। इसके बाद जो NJ डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको आज इनवाइट किया है, आप प्रोबेबली उनसे मिले, अपने फाइनेंशियल नीड्स के बारे में डिस्कस करें, जैसा सर ने कहा था अपने प्रेजेंटेशन में, हाउ यू कैन सेव मोर, अपने एक्सपेंसेस को एनालाइज करें, आपकी नीड्स क्या है, वॉन्ट्स क्या है, उसको आप डिसाइड करें, ओके, एंड अकॉर्डिंगली राइट एसेट क्लास में एक लंबे समय तक के निवेश के लिए। तो जैसा सर ने भी कहा था कि इन्वेस्टमेंट इज सिंपल बट नॉट ईजी, इसलिए एक आपको राइट गाइडेंस की ज़रूरत होती है, और ये आपके लिए आपके जो NJ पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स है हमारे, वो आपके लिए हेल्प कर सकते हैं। सो एनी पार्टिंग नोट सर, ओवर टू यू। थैंक यू ऑल दी पार्टनर्स फॉर इनवाइटिंग द इन्वेस्टर्स फॉर दिस वेबिनार। थैंक यू ऑल। थैंक यू ऑल। आप लॉग आउट कर सकते हैं। थैंक यू।